तो गाइस यहाँ पे शुरू हो गया है कुआ पूजन, और मैंने सुना है बहुत बार कुआ पूजना, बट मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं आज यहाँ पे देख रही हूँ। और कुआ तो है नहीं, तो जो नल नल का बोरिंग हो रखा है यहाँ पे, नल लगना बाकी है, तो यहीं पे इनका पूजन शुरू हो गया है। क्योंकि दिल्ली में तो कहीं पर भी कुआ मिलेगा नहीं अभी इस टाइम, और सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज है। क्योंकि मैंने ना इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ 6 दिन जब बच्चा हो जाता है 6 दिन के बाद छठी कर देते हैं, और हस्बैंड की तरफ भी ये सब होता नहीं है। तो बस मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। और ना ये जो इसने चुन्नी उड़ी है, ये इसके शादी की फेरे वाली चुन्नी है, और लहंगा भी पहनने के लिए बोल रहे थे इनकी सासू माँ, बट नहीं पहना, वो शादी वाला बस अपना दुपट्टा डाल लिया है। तो चलो आगे देखते हैं। तो गाइस कुआ पूजन तो हो गया है, और ये कुआ पूजन एक महीना या 15 दिन, 1 महीना सवा महीने के बाद ही होता है, ये तो मुझे नहीं पता है इतना, बट इसका 6 महीने बाद हो रहा है, क्योंकि इनका घर भी बन रहा था और कुछ कुछ और भी बहुत से काम थे। भांजे और मौसी का डांस शुरू हो गया, तो ये श्वेता की छोटी वाली मौसी और बड़ा मौसी डांस कर मेरे साथ, तो बस वो किसी कारण डांस नहीं कर रही थी, बाकी वो बहुत डांस करती हैं, बहुत अच्छा भी करती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया है जो भी इनका जो भी रस्म था वो, और किस किस के यहाँ पे ये कुआ पूजन की रस्म होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री है। और चलो अब इन्जॉय करो ये लास्ट रस्म है डांस की, चलो। तो गाइस शुरू हो गया है इस पार्ट का, मैं अहम क्या बोल सकते हैं इसको, अहम पार्ट शुरू हो गया है, क्योंकि इनका हो गया डांस शुरू दोनों का। और ये तीसरी जो मौसी आ रही है ये भी बहुत डांस करती है, बहुत ज़्यादा, बट अभी किसी कारण नहीं कर पा रही थी, अपने आप कैसे ही रोक रही होंगी पता नहीं, तो वही। और थोड़ा बहुत किया उनने बट हाँ, और सभी लोगों ने डांस किया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे श्वेता के साथ सबको बुला रहे हैं अपने आसपास, और जो पिंक सूट पहनी है वो उनकी भाभी है, भाभी मतलब श्वेता की मामी सास। हाँ, और ये निहाल सबको पकड़ पकड़ के डांस करा रहा है, और देखना श्वेता का और वर्षा का डांस देखना, एक मामा और फूफी की बेटियों का दोनों का डांस देखना। तो ये दोनों अभी करेंगे, अभी यहाँ पे यही अहम चीज़ है इस पूरी वीडियो में, तो इन लोगों का सबका डांस देख लो और इन्जॉय कर लो खूब। Thank you.
गाइस उसने ऐसा कोई सा बंदा नहीं छोड़ा होगा अपने यहाँ पे जो डांस करके जाओ। और शाम का टाइम था ना, सब ऑफिस से भी आ रहे थे, बेचारा थका थका हुआ बंदा था, उसको भी डांस करवा गाइज़। ये चुन्नू मुन्नू भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे, ये घर पे अंदर ही कर रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं ही खुद बाहर जाने नहीं देती क्योंकि काफ़ी भीड़ भी था और फिर बच्चे हैं गिर के राजा, इसलिए मैंने एक अंदर ही हैं लोग यहाँ पे डांस कर लो। और जब हमारा जो छोटा बाबू को हम जिसको देखने आए हैं तो वो देखेगा कि हाँ मेरे कुआं पूजन में मेरे भाई ने भी डांस किया था। तो यहीं ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसी चीज़ के लिए मैं कैच करती हूँ। तो और उसके बाद ये देख लो, ये तो कुछ टच कर रहा है और डांस कर रहा है, टच कर रहा है, ये बहुत नॉटी है छोटा वाला मेरा बच्चा। तो इसे देखते हुए जो जितना भी मैंने कैच किया शायद आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत मेहनत से बनाया और बहुत मेहनत से एडिट भी किया। और इन दोनों बहनों का भी डांस ख़त्म नहीं हो रहा, बेचारे जो बजा रहे हैं ना उनके पसीने देखो, पसीने कैसे छूट रहे हैं, वो थक गए हैं वो लोग, मगर ये दोनों नहीं थके हैं। और मेरी मम्मी और मामा, चार बहन भाई हैं, जो चारों मामा मतलब दो मौसी, एक मौसी और मम्मी और मामा, इन सार इनके सबके बच्चों में यही दोनों डांस कर लेते हैं और छोटी वाली बहन कर लेती है मेरी, बाकी हमें किसी को तो आता नहीं, ये दोनों तो बाप रे कैसे भी डांस करवा लो इन लोगों से। तो वीडियो था यहीं तक का, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और खुश रहो और दूसरों के लिए मन साफ रखो। चलो मौसी भी बाय बोल रही, मैं भी बाय बोल रही, बाय गाइस, बाय बाय।